गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। देखो आज शाम को मैं वीडियो बनाने में लगी हुई हूँ और सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद आप सभी लोगों की विशेज का जो कि आप लोगों ने मेरे जन्मदिन पे पोस्ट किए हैं। बहुत ही अच्छा लगा दिल से मुझे सब लोगों की पोस्ट पढ़ के, और मैं आप लोगों के लिए यही दुआ करती हूँ कि आप सभी लोग भी बहुत अपने जीवन में तरक्की करें और स्वस्थ बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत अच्छा लगा मुझे। और ये देखिए आज मैं शाम को ये वीडियो शूट कर रही हूँ, 30 जून को ही, और थोड़ा सा हम लोग छत पर सैर करने के साथ साथ कुछ मानसून की जो सावधानियाँ हैं हम लोगों को बरतने की ज़रूरत है, उसके बारे में भी बात करेंगे, ताकि फिर बाद में फिर मुँह से ये ना निकले कि हमारी ये चीज़ ख़राब हो गई या ये गलती हो गई या हमने क्या गलत कर दिया। तो बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, पर आपको है ना गार्डनिंग अगर आपको लंबे समय तक लगातार करनी है तो उन चीज़ों के बारे में काफ़ी ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस ये देखिए ये मेरी तुरई की बेल बहुत बड़े ही जा रही है और मैं इसको एक महीना और दे रही हूँ बस लास्ट, कि अगर मानसून में भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है मुझे इसका तो मैं इसको हटा दूंगी, क्योंकि मेरा बहुत अच्छा ये क्यारी है, एरिया है और ये पूरा इसने कवर कर लिया है, धूप भी नहीं आ पा रही है अंदर। तो बाकी सारे प्लांट्स भी मेरे फिर खराब हो रहे हैं इसमें अंदर। तो ये देखो मैंने ये फ्रेंच बीन लगाई थी और मैं आपको बोल रही थी कि ये लैगी हो जाएगी, पर आप ये देखो लैगी होने के बावजूद भी कितनी ज्यादा हेल्दी है ये, तो न्यूट्रिशन बहुत अच्छा है इस क्यारी में। और कोने कोने के जो प्लांट्स हैं वो तो फिर भी अच्छे चल रहे हैं, पर बीच में इसमें पनप नहीं पा रहे हैं प्लांट्स। तो देखो मैंने छाया के लिए अपने नए जो बीज डाले थे वो भी लगा दिए हैं, गोभी के बीज मेरे निकल आए हैं। तो सबसे पहली मानसून की जो सावधानी है मैं आप लोगों को अगर बताऊं तो वो ये है कि आप चेक कीजिए अपने हर पॉट को कि उसका छेद, हम लोग बताते हैं सभी लोग ये बात बोलते हैं कि उसके नीचे वाला जो होल है जिसमें से ड्रेनेज होल है जिसमें से एक्सेस वाटर निकलता है वो बिल्कुल ठीक है या नहीं, ज़रूरी होता है ये बहुत चेक करना, क्योंकि मानसून में लगातार बारिशें पड़ती हैं और पानी पड़ता है पॉट में ऊपर से, और अगर उसमें से कहीं रुक रहा है वो छेद, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जड़ें वहाँ तक पहुँच जाती हैं या फिर आपने जो ठिकरी लगाई है वो बिल्कुल छेद के ऊपर सेट हो जाती है तो पानी नहीं निकल पाता, तो उस वजह से पॉसिबल है कि पानी रुक जाए उस प्लांट में। और आप समझ लीजिए मानसून में अगर पानी रुक गया है आपके प्लांट में तो वो मरने की तैयारी कर लेगा प्लांट आपका, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने सभी प्लांट्स के छेद खोलें। ये देखो मैंने आपको येलो शीट्स का एक दिन वीडियो बना के दिखाया था और इस पर कितने सारे कीड़े मकोड़े चिपक गए हैं, जबकि बारिश भी हो चुकी है कई इसके बाद, तो बारिश का इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और अच्छे से कीड़े ले लेता है ये, तो ये काम करता है बारिश में भी अच्छा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर पॉट जो है आपका उसके आप छेद ज़रूर खोलें, दोबारा चेक कर लीजिए अगर कहीं बंद हो गए हो तो। दूसरी ज़रूरी बात मानसून में ये है कि कुछ पौधे बहुत अच्छे से बढ़त लेते हैं, जैसे रोज़ है या और बाकी सभी लगभग पौधे, तो बहुत ज़रूरी है कि उनकी प्रूनिंग की जाए मानसून शुरू होने से पहले ही या एक आध बारिश पड़ते ही हल्की फुल्की आप अपने प्लांट्स की प्रूनिंग करें। जैसे गुलाब की तो मैंने बड़ी हार्ड प्रूनिंग की है क्योंकि गर्मियों में बहुत बेतरतीबी से बढ़ने लग जाते हैं ये, तो अभी मैंने इनकी सबकी कटिंग कर दी है बिल्कुल। तो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रूनिंग, आप बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे हैं प्रूनिंग का क्या मतलब होता है, सॉफ्ट प्रूनिंग और हार्ड प्रूनिंग, प्रूनिंग दो तरह की हम लोग प्रूनिंग करते हैं। सॉफ्ट प्रूनिंग का मतलब है बिल्कुल छोटी छोटी सी टहनियाँ आगे से आप जैसे काट दें, अगर मैं इसको इस तरह से काट दूं तो ये सॉफ्ट प्रूनिंग कहलाएगी, छोटा सा आपने आगे से पोर्शन काट दिया तो इसमें से ये 2-3 टहनियाँ बन जाएंगी आगे और तो ये चलता रहेगा, तो इस तरह की प्रूनिंग को सॉफ्ट प्रूनिंग कहते हैं। और हार्ड प्रूनिंग जो होती है वो उस पर मैं अमरूद की जो अभी करूँगी उसका वीडियो बनाऊँगी मैं अलग से। हार्ड प्रूनिंग में आप काफ़ी सारा प्लांट अपना जो निकाल देते हैं, अब जैसे ये मेरा अमरूद का प्लांट है, इसकी जिन टहनियों पे से अमरूद ख़त्म होते जा रहे हैं या नहीं आ रहे हैं मैं उनको पूरा पूरा काट दूँगी। देखिए जैसे ये टहनी है मैं इसको काट दूँगी पूरा, और इसी तरह से वो ऊपर वाली भी और इस वाली भी, तो मैं काफ़ी छोटा इसको प्लांट को कर दूंगी, मानसून में ये फिर से बढ़ जाएंगी सारी टहनियाँ और फिर इनके ऊपर नए जो है फ्रूट्स आ जाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है फ्रूट्स के प्लांट में, हार्ड प्रूनिंग इसको कहते हैं, या आप अपना काफ़ी सारा जो प्लांट है वो निकाल दें, बड़ी बड़ी टहनियाँ निकाल दें जैसे, तो बहुत ज़रूरी है मेरा क्योंकि ये बहुत अच्छा बड़ा हुआ है, जून में भी 2-4 बारिशें पड़ गई थी यहाँ पर तो उनकी वजह से, तो अभी बस मैं फ्रूट ख़त्म होने का भी इंतज़ार नहीं करूँगी इसमें अब, और मैं इसकी प्रूनिंग करना शुरू कर दूंगी जिन टहनियों पे
फ्रूट्स नहीं है, क्योंकि ये जरूरी है मानसून से पहले आप अपनी है ना प्लांट्स की प्रूनिंग करें छोटी छोटी। तो एक तो ये बात जरूरी हो जाती है, एक छेद चेक करें आप, होल जो ड्रेनेज होल है वो सब मैंने आपको बताया कि चेक करें, वो जरूरी होता है बहुत। तीसरा, अपने सारे प्लांट्स की मिट्टी में, चाहे आपके वहां फंगस लगती हो या ना लगती हो, प्रिकॉशनरी आप थोड़ा थोड़ा सा फंजीसाइड कोई सा भी जो भी आप यूज करते हो अपने प्लांट्स में वो जरूर डाल दें, बहुत जरूरी है ये, क्योंकि मानसून में पानी काफी पड़ता है प्लांट्स में, तो फंगस लगने की संभावना। ये देखिए चिड़ियाओं ने अनार खाने शुरू कर दिए हैं, ये भी एक समस्या होती है। और मैंने नेट लगाया हुआ है, पहले साल मैंने लगा दिया था, इसमें उतना उसके ऊपर बढ़ गया है वो तो ठीक है, पर बाकी है ना खाना शुरू कर दिया, अंदर जाके भी एक छोटी सी चिड़िया खा लेती है। तो फंजीसाइड बहुत ज़रूरी है, तो मैं तो जैसे ट्राइकोडर्मा यूज़ करती हूँ और सभी को वही सलाह देती हूँ कि ऑर्गेनिक ट्राइकोडर्मा ही आप यूज़ करें। तो थोड़ा थोड़ा आपने हर प्लांट में मिट्टी की थोड़ी सी गुड़ाई करके और उसमें ज़रूर मिला दें आप, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्लांट्स को फंगस से बचाएं। मानसून में बहुत फंगस लगती है क्योंकि प्लांट्स में पानी लगातार, नमी लगातार बनी रहती है, आपका नीचे का प्लांट का पोर्शन डूबा रहता है पानी में, तो फंजीसाइड डालना भी बहुत ज़रूरी है। पूरी मैंने अपनी ग्वार की फली तोड़ ली है, पर फिर से और मुझे दोबारा दिख रही है, काफ़ी अच्छी इन्होंने, कहाँ तक जा रहा है प्लांट मेरे को शूटिंग की है इस बार। तो फंजीसाइड अगर हमने डाल लिया, उसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारे प्लांट्स की मिट्टी है, अंगूर की बेल अच्छी बढ़ने लगी है, जो भी हमारा प्लांट है जहाँ पे भी हमने अपने प्लांट्स लगाए हुए हैं उनकी जो मिट्टी की वो है, हमने गर्मियों में तो ज़्यादा पानी के लिए थोड़ा सा हम नीचे तक रखते हैं, जैसे काफ़ी नीचे तक है, ये तो मेरे बड़े पॉट्स हैं इसलिए मैं ध्यान नहीं देती इनमें, पर जैसे बरसातें शुरू होती हैं तो 12 इंच 9 इंच और छोटे पॉट्स होते हैं जो, उनकी जो मिट्टी है आप थोड़ी सी ऊपर तक भर दें। ये देखिए आप जैसे इसकी ऊपर तक आई हुई है ना मिट्टी, जरा सी जगह है बस, तो इस तरह से आप अगर कर देंगे तो आपके प्लांट्स में पानी जो है ऊपर बहुत ज़्यादा इकट्ठा नहीं होगा, पर इतनी भी ना भरें कि बिल्कुल बारिश पड़ते ही आपकी मिट्टी बहने लग जाए, तो ये भी ना करें आप। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आपने लेवल जो है मिट्टी का बढ़ा दें, थोड़ी सी खाद दे के भी बढ़ा सकते हैं आप, खाद का एक और पॉइंट है ये, तो खाद का भी अपने को ध्यान रखना है। ये देखो टमाटर के भी निकल आए हैं मेरे बीज, और ये गोभी के भी निकल आए हैं यहाँ पे। खाद का हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि नाइट्रोजन युक्त खाद जो है हम लोगों को बारिश में नहीं डालनी, नहीं डालनी क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊपर से पानी जो बरसता है उसमें नाइट्रोजन और कुछ जो है मिनरल्स घुले हुए होते हैं उस पानी में, इसीलिए तो बारिश का पानी बिल्कुल खाद का काम करता है आपके प्लांट्स में, क्योंकि उसमें ऑलरेडी नाइट्रोजन भी घुला हुआ होता है और बहुत मिनरल्स भी घुले हुए होते हैं। तो हम लोगों को नाइट्रोजन युक्त खाद बारिशों में देने से बचना चाहिए, क्योंकि प्लांट के पास ऑलरेडी बहुत अच्छी नाइट्रोजन युक्त खाद होती है। देखो आपके सामने बोए थे ना मैंने फ्रेंच बीन के, 2 दिन में ही निकल आए हैं सारे, और बीट रूट अभी नहीं निकला है, पर फ्रेंच बीन सारा निकल आया है देखो। और मेरे तो ये खरपतवार की समस्या, बारिशों में ये घास वास की और होने लग जाती है, और इतने सारे प्लांट्स हैं कि मैं लगातार सबको सफाई नहीं कर पाती हूँ, तो चलती रहती है, जो हाथ पड़ता रहता है उसको साफ करती रहती हूँ। तो जैसा कि हम लोग बोल रहे थे, नाइट्रोजन युक्त खाद को थोड़ा सा कम दे अपने प्लांट्स में, मिल जाएगा प्लांट्स को ना, इसीलिए तो बारिश में ज़्यादातर प्लांट्स बहुत अच्छे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ एक हम ध्यान रखेंगे। दूसरा, हम लोग है ना बारिशों में जो गर्मियों में थोड़ा सा बचते हैं कि कोई भी स्प्रे हम अपने पत्तियों पे ना करें प्लांट्स की, पे कि जलने का डर रहता है, बारिशों में हम वो बहुत अच्छे से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बारिशों में जो आपके प्लांट्स की पत्तियाँ होती हैं वो बिल्कुल खुली हुई होती हैं, धुली हुई होती हैं, उनके पोर्स बिल्कुल खुल जाते हैं, तो वो बड़े अच्छे से ग्रहण करती हैं आप जो भी है ना स्प्रे करते हैं उनके ऊपर। तो बेटर है कि आप है ना बारिशों के टाइम में जो भी खाद दें, न्यूट्रिशन दें, वो स्प्रे के मोड में दें। बारिश का पानी भी स्प्रे की तरह ही लगता है उनको, तो उससे भी बहुत अच्छे से ग्रहण करती हैं वो, और आप जो भी और भी दवाइयाँ कुछ और भी न्यूट्रिशन देना चाहें, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वाला या एंजाइम देना चाहें लिक्विड, वो स्प्रे की फॉर्म में दें तो बेटर होता है, क्योंकि बारिशों में बहुत अच्छे प्लांट्स बढ़ते हैं और
पत्तियों से बड़ा अच्छा ग्रहण करते हैं। देखिए मीठा नीम भी शूट होने लगा है, कल एक बारिश हुई हमारे यहाँ बस। और तीसरी बात, जो भी लोग गार्डनिंग शुरू करना चाहते हैं ये बिल्कुल एक उनके लिए आदर्श मौसम होता है। आप बारिशों में गार्डनिंग शुरू करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल देर ना लगाएं, जरूर से शुरू करिए, क्योंकि बारिशों में गार्डनिंग शुरू करने का सबसे अच्छा फायदा यही होता है कि आपकी जो सक्सेस रेट होती है गार्डनिंग में वो बहुत अच्छे से बढ़ जाती है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती और बारिशों में जो है अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं आपको कम मेहनत में भी, क्योंकि ऊपर वाला ही बहुत अच्छे काम कर देता है आपके प्लांट्स के लिए बारिशों के पानी से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप अगर गार्डनिंग शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं तो वो बारिशों के टाइम में ही करें। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप मिर्च नहीं लगाते हैं, देखिए मैं एक पॉट में मिर्च ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ हरी मिर्च का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता। और ये देखिए ये बैंगन का पेड़ जिसमें मेरे मिलीबग की प्रॉब्लम हो रही है, देखो आप, इस पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। हालांकि ये सब मरे हुए हैं क्योंकि लेडीबग घूम रही है काफ़ी सारी, वो खाती रहती हैं इनको, और मैंने पानी का स्प्रे भी कर दिया था अच्छे से, पर मैं इस पर अच्छे से वीडियो बना के आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से आप मिलीबग से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये भी एक चीज़ होती है कि बारिशों में अपने प्लांट्स को कीड़े मकोड़ों से बचा के रखें आप, क्योंकि नए नए तरह के कीड़े मकोड़े दिखेंगे अब आपको, और फिर आपको लगेगा कि कीड़ों की वजह से आपकी खेती ख़राब हो रही है जबकि सिंचाई ये नहीं होती। इतने अच्छे फ्लावर खिलते हैं इसमें पूरे दिन में, पर धूप में इच्छा नहीं होती मॉर्निंग फ्लावर में वीडियो बनाने की, पूरा भर जाता है ये और शाम को बंद हो चुके होते हैं। तो बस यही देखो आप, गार्डन फिर से नया रूप लेने के लिए तैयार है, पॉट्स वगैरह तैयार कर दिए गए हैं मेरे द्वारा, ये करेले मैंने अभी लगाए थे जो बढ़ने लगे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें, नए गार्डनर्स को बिल्कुल बिंदास शुरू करने का टाइम है, आप बिल्कुल शुरू कीजिए सीखते हुए गार्डनिंग। और कुछ चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं बहुत ज़रूरी हैं, उनका ध्यान आप ज़रूर रखें, उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर है ना मामला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फंगस का बहुत विशेष ध्यान रखना होता है। प्रूनिंग अगर आप करेंगे तो आपके प्लांट्स और अच्छे से बढ़ेंगे, तो ये बहुत ज़रूरी है, मैं भी ध्यान रखती हूँ इसका, और आप भी इन तीन चार छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखिए। और मेरा गार्डन बस इसी तरह से दिख रहा है अभी, और अब आप देखिएगा थोड़े दिन में ही और घना जंगल हो जाएगा, क्योंकि बारिशों का पानी जैसे ही पड़ेगा इसके ऊपर बिल्कुल जंगल सा ही दिखेगा ये। सब्जियाँ अभी थोड़ी सी सुप्त अवस्था में है, भिंडी, ग्वार की फली, बैंगन और शिमला मिर्च, यही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं बस। और बेल वाली सब्जियाँ थोड़ी सी, गर्मी बहुत तेज़ थी पिछले दिनों तो थोड़ी ठंडी पड़ी हुई है अभी, पर अब शुरू हो जाएगा सब कुछ, थोड़ा वेट करना, पेशेंस का काम होता है गार्डनिंग, तो पेशेंस भी रखें आप। बस इन्हीं सभी शब्दों के साथ एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का, आपके जो विशेज़ हैं मेरे लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपका साथ हमेशा बना रहेगा। मेरे वीडियोस पसंद आते हों तो प्लीज़ उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे नए वीडियोस की जानकारी मिलती रहे आपको, और हम लोग साथ साथ अपनी जो वेजिटेबल्स हैं वो ग्रो करते रहें। बस इसी उम्मीद के साथ आप स्वस्थ बने रहें, खुश रहें, आपसे विदा लेती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।